हेलो गाइस, दिस इज कुलदीप शर्मा। वेलकम टू ऑसिलेटिंग एटम्स। और मैं आज नए लेक्चर के साथ आया हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन द पावर इन एन एसी सर्किट। सो हम किसी भी एसी सर्किट का पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें पावर कितनी होगी वो आज हम पता करेंगे। ठीक है। सो मैं अज्यूम करता हूँ कि सर्किट में जो मेरा वोल्टेज फ्लो हो रहा है, दैट इज वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये सपोज मैंने वोल्टेज कंसिडर किया हुआ है जो मेरा सर्किट में फ्लो हो रहा है। अब मैं करंट कंसिडर कर लेता हूं, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो फाइव क्या, यहाँ पर फेज डिफरेंस हम सबको पता है। और इसको कैसे देते हैं, हमने सुना ही होगा वीडियो में, प्रीवियस वीडियोज में मैंने बताया हुआ है। तो एक्स जो रिएक्टेंस है सर्किट का और आर जो रेजिस्टेंस है सर्किट का। सो फाइव इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स ओवर आर। ये मेरा हो गया क्या, जो फेज डिफरेंस है फाइव। और ये करंट जो मैंने वोल्टेज कंसीडर किया हुआ, करंट कंसीडर किया हुआ दोनों। अच्छा, जो आई नॉट है वो क्या है, दैट इज ई नॉट या वी नॉट ओवर जेड। जेड क्या है, इंपीडेंस। सो जेड एक्चुअल में हम कैसे देंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये जेड हो गया, ये आई नॉट, ये फाइव जो हम देते हैं। तो आप जेड एक्स क्या है हमारा, इंपीडेंस, सॉरी जो रिएक्टेंस है सर्किट का, वो आप देख सकते हो। अगर एलसी सर्किट है तो, एलआर सर्किट है तो, या आरसी सर्किट है तो, या एलसीआर है, कोई भी सर्किट हो, उसके लिए एक्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कैसे निकालेंगे, टोटल बताया हुआ है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर। सो इंस्टेंटेनियस पावर किसी भी टाइम टी पे कैसे देते हैं, ये हमको फॉर्मूला पता चलता है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, आईआरएमएस वैल्यूज, तो वोल्टेज इनटू करंट, ये हमारा पावर का फॉर्मूला होता है। मैं यही अप्लाई करता हूं यहाँ पे और देखते हैं। पावर इज इक्वल टू क्या होगा, वी इनटू आई। सो वी हमारा ये है और आई ये है, मैं दोनों की वैल्यूज रख लेता हूँ। पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये मेरा पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। बट यहाँ क्या है, साइन ए साइन बी, कुछ इस तरह का फॉर्मूला बन रहा है। तो आपने देखा ही होगा फॉर्मूला, टू साइन ए साइन बी को मैं क्या लिखता हूं, क्या होता है भाई हमारा, टू साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूं यहाँ पे। तो साइन ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगा, हाफ ब्रैकेट में कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये मेरा फॉर्मूला है। इसके लिए हो जाएगा ए इज, मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये है, और बी इसको कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, कॉस माइनस थीटा या कॉस थीटा दोनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। सो आप वो टेंशन ना लें। ठीक है, सो हम पावर का फॉर्मूला लिखता हूं, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। मैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे लिखूंगा, कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव, ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, कॉस ए माइनस बी, तो माइनस फाइव क्या हो जाएगा, प्लस। सो ओमेगा टी विल कैंसल आउट, ये कितना हो जाएगा, कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस कॉस फाइव। ये हमारा इन दोनों को अगर मैं लिखूंगा तो आ जाएगा। सो पावर का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, पी इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट आई नॉट। हाँ, टू यहां पर होता तब तो ये बनता। ठीक है, जैसा मैंने था टू साइन ए साइन बी, अब टू है नहीं तो मैं इसको टू से डिवाइड कर सकता हूँ, चाहूं तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं आगे, और ये हाफ से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, सो जो हाफ आएगा वो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, वी नॉट आई नॉट बाई टू। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, कॉस फाइव प्लस कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव। ये मेरा क्या आ गया, जो पावर के लिए फॉर्मूला हो गया, इंस्टेंटेनियस पावर एट एनी टाइम। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर के बाद अब हमको निकालना है क्या, एवरेज पावर। और एवरेज पावर मैं किसके लिए निकालूंगा, फुल साइकिल के लिए। सो एवरेज पावर का फॉर्मूला हो जाएगा, ऐसे हमने एवरेज करंट भी निकाल रखा है, एवरेज वोल्टेज भी निकाल रखा है, वो एसी आप 01, 02, 03, 04 आप चेकआउट करें, वहां आपको सारा सोल्यूशन मिलेगा। सो पावर एवरेज कैसे लिखेंगे हम, फुल साइकिल के लिए लिखना है 02 dt। मैं फुल साइकिल के लिए कंसिडर कर लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 02 t और pdt। ठीक, 02 t pdt। ये t क्या है हमारा, एक साइकिल का टाइम पीरियड, जो एक साइकिल कंप्लीट करने में उसको टाइम लग रहा है।
वो टी है मेरे फुल साइकिल के लिए। सो पावर एवरेज का फॉर्मूला हो गया 0 टू टी पी डी टी अपॉन 0 टू टी डी टी। पी ये है मेरे पास पी, सो वैल्यूज को अच्छा इसका कितना हो जाएगा फुल साइकिल के टी, ठीक है ना। So, मैं ये वाली वैल्यूज यहां पुट करता हूं, मुझे मिलेगा V नॉट I नॉट ओवर 2, ये तो यहां से मिलेगा V नॉट I नॉट ओवर 2, और इसका कितना मिल जाएगा T, तो 0 टू T ये कितना मिल जाएगा cos phi प्लस cos 2 ओमेगा T माइनस phi इंटू dt, ठीक ये मुझे मिल गया। अब देखो cos phi का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन प्लस sin थीटा। So, हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, P एवरेज इज इक्वल टू V नॉट I नॉट ओवर 2T, इंटीग्रेशन करता हूं मैं cos थीटा का, क्या होगा cos थीटा का sin थीटा, बट यहां T है तो ये तो एज इट इज रहा है cos phi। चलो मैं एक बार ही और लिख लेता हूं, 0 टू T dt प्लस 0 टू T cos 2 ओमेगा T माइनस phi dt, ठीक है क्लियर। सो देखो इसका हो जाएगा V नॉट I नॉट ओवर 2t, इसका होगा cos phi into t इसका, ठीक है। लिमिट सम सारी 0 टू t हर एक में पुट करेंगे प्लस sin 2 ओमेगा t माइनस phi, ठीक है sin 2 ओमेगा t माइनस phi अपॉन 2 ओमेगा 0 टू t, समझ आया भाई, अपॉन 2 ओमेगा इसका डिफरेंशिएशन 2 ओमेगा, ठीक। सो ये बन जाएगा V नॉट I नॉट ओवर 2t, आप लिमिट्स प्लेस करो पहले t, तो cos phi into t प्लस sin ये क्या हो जाएगा 1 upon 2 ओमेगा, मैं लिख लेता हूं sin ओमेगा को क्या लिखेंगे हम, ओमेगा इज 2 pi ओवर t, सो ये हो जाएगा 2 pi ओवर t into t की जगह t प्लेस करेंगे मैं ना, और 2 ऑलरेडी था ये वाला माइनस phi, ठीक है। अब जीरो प्लेस करते हैं, सो जीरो प्लेस करेंगे तो प्लस सॉरी माइनस के साथ लिमिट रखेंगे ना, लोअर लिमिट माइनस कॉस फाइव इंटू जीरो, टी की जगह जीरो प्लेस किया प्लस वन अपॉन टू ओमेगा साइन, ये हो जाएगा हमारा जीरो माइनस फाइव, ठीक है समझ आया, टी की जगह आप जीरो प्लेस करोगे जीरो मिल जाएगा माइनस फाइव बच जाएगा, तो ये हो गया वी नॉट आई नॉट ओवर टू टी, तो कॉस फाइव इंटू टी प्लस वन ओवर टू ओमेगा, और ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा साइन हो जाएगा फोर पाई, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं साइन एन पाई जीरो कॉस एन पाई इज माइनस वन रेज टू पावर एन, तो साइन एन पाई कितना ही पाई हो वन पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई फाइव पाई, तो ये तो जीरो हो जाएगा, सो साइन जीरो ये जीरो माइनस कितना बचेगा भाई फाइव, तो साइन माइनस फाइव, ठीक है ये जीरो हो गया हमारा एंगल में और ये बच गया माइनस फाइव, यहां पर आप रखोगे जीरो माइनस फाइव मतलब साइन माइनस फाइव, ठीक है प्लस सॉरी ये हमारा माइनस जीरो, ठीक प्लस वन ओवर टू ओमेगा, ये कितना बचेगा भाई वन ओवर टू ओमेगा इंटू साइन माइनस फाइव, तो देखो वन ओवर टू ओमेगा प्लस का साइन फाइव है और वन ओवर टू ओमेगा माइनस का साइन फाइव है, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है समझ आया भाई इतना कैसे किया है मैंने। सो जब आप इसको रखोगे तो कितना बचेगा, एवरेज पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V नॉट I नॉट ओवर 2T, यहां से क्या बचेगा cos phi into T और बाकी रेस जीरो, ठीक है सो T एंड T विल कैंसिल आउट, ठीक है सो ये एवरेज पावर आपका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ V नॉट I नॉट इंटू cos phi, ये मुझे एवरेज पावर का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। अब देखो आपको पता होगा आई आर एम एस वैल्यू और वी आर एम एस वैल्यूज क्या होती हैं, आई आर एम एस क्या होता है आई आर एम एस इज आई नॉट बाय रूट टू, सिमिलरली वी आर एम एस इज वी नॉट बाय रूट टू, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई आर एम एस और वी आर एम एस के टर्म में, आप लिख सकते हो वी नॉट बाय रूट टू इंटू आई नॉट बाय रूट टू कॉस फाइव, ठीक है इसको क्या लिखोगे वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव, ये हमारा एवरेज पावर का फॉर्मूला RMS values के टर्म में, ये maximum values के टर्म में, I not V not क्या maximum amplitude और V RMS I RMS क्या उसकी RMS values, ठीक है। अब देखो यहाँ पे cos phi क्या है, cos phi को मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको बोलते हैं power factor,
cos phi is power factor, और इसको हम देते हैं R by Z. cos phi is R by Z. अब Z क्या? इम्पीडेंस. आप लिख लोगे अभी Z को कैसे लिखते हैं हम? अंडर रूट R square plus X square. ठीक है, X क्या उसका रिएक्टेंस, R क्या उसका रेजिस्टेंस सर्किट. सर्किट में केवल रेजिस्टेंस होगा तो इम्पीडेंस किसके इक्वल हो जाएगा? केवल रेजिस्टेंस के इक्वल. इट मींस X इज इक्वल टू जीरो और Z इज इक्वल टू हो गया R. ठीक है, उसमें रिएक्टेंस जीरो हो जाएगा और जो इम्पीडेंस होगा वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा. तो cos phi उसमें क्या हो जाएगा? cos phi को हम देते हैं R by Z, मतलब 1. ठीक है, R by R is equal to 1. So power, average power कितना हो जाएगा मेरा? वो हो जाएगा half V not I not या VRMS into IRMS. So ये जो power आता है जब resistance हो तब power आपको maximum मिलता है. ठीक है, So ये maximum power हो गया आपके लिए कब? जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है इंक्लूडेड. ठीक है, कोई भी रिएक्टेंस नहीं है तो उस टाइम एक्स जीरो और जेड इज इक्वल टू आर. अब देखते हैं हम सर्किट में क्या हमारा प्योरली या तो इंडक्टेंस हो, ठीक है, या क्या हो हमारा कैपेसिटर हो. ठीक है, तब देखते हैं क्या होता है. मतलब उस टाइम जब प्योरली इंडक्टेंस, मतलब सर्किट में केवल एल कनेक्टेड हो, कॉइल हो मतलब, या कैपेसिटर हो. ठीक है, सो उस टाइम आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? जीरो. और Z इज इक्वल टू किसके मिल जाएगा? X के. ठीक है, मतलब आप Z इज इक्वल टू रखोगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, तो अंडर रूट X स्क्वायर बचेगा, वो X के इक्वल रह जाएगा. सो देखो इसमें cos phi कितना हो जाएगा? अगेन R by Z से देते हैं, तो 0 by Z, इधर कुछ भी हो Z की वैल्यू तो ये 0 मिल जाएगा. cos phi कितना मिल गया आपको? 0. ठीक है, सो देखो इसमें एवरेज पावर कितना मिल जाएगा? एवरेज पावर आप वैल्यू प्लेस करोगे तो कितनी मिलेगी? हाफ. cos phi ही 0 हो गया तो एवरेज पावर कितना मिल जाए आपको? 0. ठीक है, तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? जो करंट फ्लो होता है सर्किट में, तो करंट अब भी फ्लो होगा, तो इस करंट को बोलते हैं हम वॉटलेस करंट. ठीक है, अब मैं बात करता हूं स्पेशली वॉटलेस करंट की. वॉटलेस करंट का क्या था हमारा? जब हमारा जिसमें केवल एल हो या सी हो सर्किट में, आर की वैल्यू 0. सो आर की वैल्यू 0 होगी तो कॉस फाइव आपको कितना मिल जाएगा? आर बाय जेड, मतलब 0. तो पावर एवरेज कितना मिला था आपको? 0 पावर. ठीक है, अब देखो 0 पावर कैसे मिल सकता है? या तो आपका R 0, ठीक है, या जो करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस है वो कितना हो जाए? phi is equal to pi by 2 हो जाए, मतलब cos pi by 2 आपको कितना मिल जाए? cos pi by 2 भी 0 होता है. मतलब उस टाइम कंडीशन क्या होगी? V is equal to V naught sin omega t, और जो I होगा वो कितना होगा? I naught cos omega t, मतलब sin omega t plus pi by 2, मतलब cos omega t. तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है? pi by 2. तो वॉटलेस करंट क्या होगा? करंट तो फ्लो होगा सर्किट में, बट पावर एवरेज 0 होगा. सर्किट में करंट फ्लो होता रहेगा बट पावर एवरेज, जो पावर हमको मिल रहा है सर्किट से, वो 0 होगा. ये हमारा वॉटलेस करंट जो सर्किट है वो कब होगा? केवल इंडक्टेंस और कैपेसिटर लगा हो उस टाइम, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो. सो मैं बात करता हूं चोक कॉइल की. चोक कॉइल देखो, ये हमारी ट्यूबलाइट है जो घरों में लगी होती है, उसमें दो फिलामेंट होते हैं, ये उसका रेजिस्टेंस R है. जो ट्यूबलाइट घरों में लगी होती है, ये स्टार्टर है जो आपने देखा होगा लगा होता है एक छोटा सा, और ये एसी मेंस है जहां से आप सप्लाई देते हो. ये की है और ये कॉइल है, जो एक कॉइल सी डिब्बी सी लगी रहती है वो ये कॉइल है. ठीक है, जिसका इंडक्टेंस क्या है? एल. रेजिस्टेंस क्या है? स्मॉल आर, जो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल. आर ऑलमोस्ट टेंस टू 0, इतना कम होता है. ठीक है, तो देखो डीसी सर्किट में अगर हमको पावर रिड्यूस करना है तो हम उसको रेजिस्टेंस के थ्रू करते हैं. ठीक है, रेजिस्टेंस के थ्रू जो पावर ड्रॉप होती है वो आई स्क्वायर आर पावर ड्रॉप होती है डीसी में. ठीक है, और ये किसके थ्रू निकलती है? हीट के थ्रू. जो सर्किट में क्या होता है, हीट मतलब गर्म हो जाता है बल्ब, वो इसी वजह से हो जाता है ना. रेजिस्टेंस के थ्रू ड्रॉप होती है, हीट के थ्रू निकलती है. बट अबाउट एसी, अगर मैं बात करूं एसी की, तो हम उसको जो पावर ड्रॉप करते हैं दैट इज ड्रॉप थ्रू द चोक कॉइल. और चोक कॉइल होता क्या है? ये आयरन कोर होता है जो लेमिनेटेड होता है. ठीक है, कॉपर से लेमिनेटेड होता है ये जो कोर होता है, ये चोक कॉइल होता है. सो इसको हम जब भी पुट करते हैं तो जो फिलामेंट, जो हमारा ट्यूबलाइट है उसके साथ सीरीज में प्लेस कर देते हैं, उसका रेजिस्टेंस आर होता है. ठीक है, तो सिंपली ये हमारा आरएल सर्किट बन जाता है. ठीक है, आर क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है कॉइल का वो टेंस टू 0 है. ठीक है, बहुत स्मॉल है. तो ये आर और ये है, इसका जो एल आर सर्किट हम पढ़ चुके हैं, बस वही काम करने लगता है सिंपली, है ना.
तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है कि देखो सबसे पहले इसका आई नोट क्या हो जाएगा, ई नोट ओवर जेड, ठीक है। तो इसमें करंट फ्लो होगा सर्किट में, वो आई नोट इज इक्वल टू ई नोट ओवर जेड, और जेड क्या हो जाएगा, जो जेड होगा वो अंडर रूट देखो आर प्लस आर का होल स्क्वायर भाई। ये और ये मतलब हमारा देते क्या है, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स एल का स्क्वायर, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसमें केवल इंडक्टेंस है, दैट्स व्हाई जो हमारा रिएक्टेंस होगा वो केवल इंडक्टिव रिएक्टेंस ही होगा। सो ये हो गया हमारा जेड। बट देखो इसमें अब आर छोटा है और स्मॉल है, तो मैं इस कॉइल की बात करता हूँ, जो मेरा चौक कॉइल है इसकी बात करता हूँ, इसके लिए कॉस फाई कितना होगा, आर वाई जेड, ठीक है। अब आर वाई जेड आर ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बट आर इज टेंस टू जीरो, क्या हमारा आर जीरो लगभग है ना, सो ये कॉस फाई क्या हो जाएगा हमारा, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, मतलब लगभग लगभग जीरो हो जाएगा। सो इसमें एवरेज पावर जो ड्रॉप होगी वो क्या होगी भाई, जीरो, क्योंकि कॉस फाई क्या होता है, पावर क्या होता है, वी नॉट आई नॉट इन हाफ वी नॉट आई नॉट इन टू कॉस फाई। तो पावर, एवरेज पावर क्या होगा हमारा, जीरो, जो लार्ज इंडक्टेंस की वजह से एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हम आर स्क्वायर को लीव कर सकते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू आर बाय एक्स, ठीक है। ये जो कॉस फाई हो जाएगा मेरा आर बाय एक्स, तो ये मुझे जीरो मिल जाएगा यहां से। जब जीरो मिल जाएगा तो पावर भी मुझे जीरो मिल जाएगी, इट मीन्स उसमें वॉटलेस करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। उसमें करंट होगा बट पावर क्या होगा, सो चोक कॉइल में पावर क्या होगा, जीरो ड्रॉप होगा, जबकि डीसी में होता है वो कितना होता है, आई स्क्वायर आर, और ये हीट के थ्रू एक्सेस पावर जो हमारा होता है वोल्टेज उसको एडजस्ट करता है हीट के थ्रू, जबकि इसमें क्या होगा, हीट बहुत नेग्लिजिबल होगी चोक कॉइल में। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यूमेरिकल, एंड फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अ चोक कॉइल इज नीडेड टू ऑपरेट एन आर्क लैंप एट 160 वोल्ट आरएमएस वैल्यू दी हुई है एंड 50 हर्ट्ज। द आर्क लैंप हैज एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एंड रनिंग एट 10 एम्पीयर। सो कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। सो इंडक्टेंस ऑफ द, सो देखो वी आर कितना हो जाएगा, मेरा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आगे जो रेजिस्टेंस के कॉइल का जो रेजिस्टेंस, लैंप का जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा। सो आई आपको दिया हुआ है कितना, 10 एम्पियर, 10 इंटू आर इज गिवन 5, सो इट विल बिकम्स 50 वोल्ट, क्लियर। सो 50 वोल्ट आपको वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके अक्रॉस। अब हमारा पता है टोटल वोल्टेज कितना होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ये हमने पढ़ रखा है। सो वी एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ठीक है। सो वी कितना है हमारा, दैट इज 160 वोल्ट, 160 वोल्ट का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, ठीक है। सो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 152 वोल्ट, वी एल आपको कितना मिल गया, 152 वोल्ट। अब हमें पता है वी एल इज इक्वल टू क्या होता है, आई एक्स एल, ठीक है। आई एक्स एल मतलब 2πf, ये हो गया इंटू एल इंटू आई, ठीक है। ओमेगा एल होता है, ओमेगा को मैंने 2πf एल इंटू आई लिख लिया, तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एल ओवर, एल इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा वी एल ओवर 2πf इंटू आई, ठीक है। सो वी एल कितना है, 152 ओवर 2 इंटू 3.14 इंटू एफ कितना है मेरा, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, इंटू 50 इंटू आई कितना है, करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट इज 10 एम्पीयर, ठीक है। सो एल बिकम्स 4.84 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 हेनरी, ये एल मिल गया। इफ द सेम लैम्प इज टू बी ऑपरेटेड एट 160 वोल्ट डीसी, पहले हम एसी ले रहे थे 160 वोल्ट, अब डीसी बोला, व्हाट एडिशनल रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, तो हमें बताना है कि कितना एडिशनल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा। सो मैंने माना कि स्मॉल आर हमारा क्या है, रेजिस्टेंस जो रिक्वायर्ड है वो है स्मॉल आर, ठीक है। तो वो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्रॉस वो कितना हो जाएगा, आई आर प्लस आर, क्लियर। सो मुझे स्मॉल आर वी, वी कितना है मेरा, वी इज 160 और आई कितना है 10 और आर कितना है 5 प्लस आर, ठीक है। तो ये 16 टाइम हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू 5 प्लस आर, आर हो जाएगा 11 ओम। सो जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11 ओम और चाहिए मुझे अगर डीसी पे ऑपरेट करूंगा तो, ठीक है। अब उसने बोला है सो पावर इसमें कितनी हो जाएगी, पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, ठीक है, क्लियर।
ये कितना हो जाएगा भाई, आई कितना है हमारा 100 इंटू आर, इस केस में कितना था पहले वाले केस में, अगर मैं एसी की बात करूं तो इंटू 5, सो 500 वॉट हो जाएगी पावर इस एसी में अगर मैं इसको लगाऊंगा तो, ठीक है कितना हो जाएगा 500 वॉट। ये समझ आया भाई, ये रेजिस्टेंस कितना था दिया हुआ था 5 ओम कॉइल का, और मैंने आई करंट हमें पता है वो दी हुई 10 एम्पीयर, सो इट विल बिकम दिस। अगर मैं डीसी की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर, और वो कितना होगा 111 का स्क्वायर इंटू आर कितना है मेरा, सॉरी आई इज 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इंटू आर इज 11 ओम, ठीक है सो ये कितना हो जाएगा 1100 वॉट। सो पी डी सी जो हो गया 1100 वॉट हो गया। सो यहाँ आपको लग रहा है 500 वोल्ट, यहाँ 500 वॉट, यहाँ 1100 वॉट। तो जो एक्स्ट्रा जब हम लैंप, जो लैंप की जगह हम डीसी में ऑपरेट करेंगे उसको, जो हम आर्क लैंप एसी में ऑपरेट कर रहे थे तब 500 वॉट, अब जब डीसी पे ऑपरेट कर रहे हैं तो 1100 वॉट। तो जो एक्सेस है 600 वॉट वो स्मॉल आर के थ्रू ड्रॉप हो जाएगा या डेसिपेटेड हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा 600 वॉट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ करंट ऑफ 4 एम्पीयर फ्लोज इन अ कॉइल व्हेन कनेक्टेड टू अ डीसी ऑफ 12 वोल्ट। कॉइल को हमने डीसी से कनेक्ट कर दिया और करंट हमारा 4 एम्पीयर फ्लो कर रहा है। इफ द सेम कॉइल इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट एंड 50 रेडियन पर सेकेंड, इस बारी आपको क्या दिया हुआ है ओमेगा की वैल्यू दी हुई है रेडियन पर सेकेंड मतलब 50, अ करंट इज 2.4 एम्पीयर फ्लोस, तो डिटरमाइन एल ऑफ द कॉइल। तो पहले इंडक्टेंस निकाल लेते हैं हम कॉइल का कितना होगा। सो इंडक्टेंस निकालने के लिए हमारा जेड इज इक्वल टू कितना होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, या एक्सएल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो आर हमको कैसे मिलेगा, आर इज इक्वल टू क्या होगा वी ओवर आई डीसी के लिए ना, सो वी कितना हमारा 12/4 मतलब 3 एम्पियर हमको करंट फ्लो, जो हमारा आर है वो कितना मिल गया 3 ओम, ठीक आर हमको मिल गया 3 ओम। अब हमको निकालना जेड, जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी ओवर आई, मतलब एसी के लिए जेड हो जाएगा हमारा इंपेडेंस वी ओवर आई, जिसको हम ई नॉट बाय आई नॉट लिखते हैं, ठीक है सो ये कितना हो जाएगा हमारा 12/2.4, 12 हमको दिया हुआ है 2.4 मतलब ये कितना होगा 5 ओम, ठीक है सो एक्सएल मेरा मिल जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस आर इज 3 स्क्वायर मतलब अंडर रूट 25 माइनस 9, एक्सएल मीन अंडर रूट 25 माइनस 9 मतलब 16 मतलब 4। सो हमको 2 ये मिल गया एक्सएल, एक्सएल को मैं कैसे लिखूंगा ओमेगा एल इज इक्वल टू 4, सो एल इज इक्वल टू 4/ओमेगा, सो एल इज इक्वल टू 4/ओमेगा कितना दिया हुआ है ओमेगा इज 50 रेडियन पर सेकेंड, सो 50 रेडियन पर सेकेंड ये मिल जाएगा 0.08 ओम। तो एल मुझे कितना मिल गया 0.08 ओम, ठीक है अब हमको निकालना क्या है, उसने आगे बोला है ऑल्सो फाइंड द पावर डेवलप इन द सर्किट इफ 250 माइक्रो फैरड टू 2500 माइक्रो फैरड इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो कॉइल के साथ हमने क्या लगा दिया, एक ये और लगा दिया जो हमारा क्या कैपेसिटर है, ठीक है तो एक्सी फाइंड करते हैं, एक्सी कितना होगा 1/ωc, 1/ωc कितना है 50 इंटू ये कितना होगा 25 माइक्रो फैरड, ठीक है ये मुझे एक्स ही मिल गया। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप कितना हो जाएगा 125 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, ठीक है ये मुझे मिल जाएगा 1000/125, ये कितना मिल जाएगा 5 से आप कैंसिल करोगे 25 से कैंसिल कर लो इसको, तो 25 से 5 टाइम्स और 25 से 40 टाइम्स, तो ये 8 ओम मिल गया मुझे। एक्स ही कितना मिल गया 8 ओम और एक्सएल कितना मिल गया 4 ओम। तो जो कैपेसिटेंस होगा वो सर्किट का, मैं इसको रब कर देता हूँ, कैपेसिटेंस कितना होगा भाई हमारा सर्किट का, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एक्सएल डिफरेंट डिफरेंस ऑफ एक्सी मतलब जो ज्यादा है उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो एक्सी माइनस एक्सएल मतलब 4 ओम मुझे क्या मिल जाएगा मेरा कैपेसिटेंस मिल जाएगा। सो पावर इज इक्वल टू कितना होगा भाई, पावर का फॉर्मूला क्या होता है IRMS इंटू VRMS इंटू cos phi, सो IRMS मिलेगा मुझे V by Z, ठीक है सो इसकी वैल्यू रख लेता हूं IRMS इज इक्वल टू V by Z। अब Z कितना मिलेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो अंडर रूट आर निकाल लिया तो 3 स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी 4 स्क्वायर मतलब ये हो गया हमारा 5, Z इज इक्वल टू मुझे कितना मिल गया 5 ओम, ठीक है अब ये कितना मिल गया V इज 12/5, सो IRMS मिल गया मुझे 2.4 एम्पीयर, ठीक ये मुझे IRMS मिल गया।
अब एवरेज पावर का फॉर्मूला कैसे होगा, एवरेज पावर इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाइ, ठीक है, हो जाएगा आई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू जेड, वी इज इक्वल टू आई आर से आप आई आर एम एस इंटू जेड लिख लोगे, कॉस फाइ इज इक्वल टू कितना होता है आर वाई जेड, सो जेड एंड जेड विल कैंसिल आउट, एवरेज पावर हो जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू जेड, सो आई आर एम एस कितना है 2.4 का स्क्वायर इंटू जेड, इंपेडेंस कितना था, इंपेडेंस था 5, ये हमने निकाल रखा है ना, ये देखो 5 वैल्यू, सो आपको ये मिल जाएगा 17.3 वॉट, सो एवरेज पावर जो ड्रॉप हो कितना हो गया 17.3 वॉट।